गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा लेसन है अपना अपना काम। ओके, यानी जो काम जिसका हो उसे वही काम करना चाहिए। अगर आप दूसरों का काम करने जाओगे तो आप वो काम नहीं कर पाओगे, बराबर ना। जैसे कि डॉक्टर का काम क्या होता है, लोगों का इलाज करना होता है ना, तो वो डॉक्टर ही कर पाता है, वो काम दूसरे लोग नहीं कर पाते, ठीक है ना। जैसे ड्राइवर का काम होता है कि वो बस या कार चलाते हैं, ओके, अगर उसको बोला जाए कि आप लोगों का इलाज करो तो वो क्या कर पाएगा, लोगों का इलाज नहीं कर पाएगा ना। ऐसे अगर डॉक्टर को बोला जाए कि आप पुलिस की ड्यूटी करो तो वो क्या कर पाएंगे, नहीं। इसीलिए जो काम जिस व्यक्ति का हो उसे वही काम करना चाहिए। अगर वो दूसरा काम करने जाएगा तो उसमें मिस्टेक होगी, वो काम अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। तो इस पाठ में उसी की बात की गई है जिसको हम रीड करेंगे, समझेंगे। ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ शब्द के अर्थ हम सीख लेते हैं ताकि आपको लेसन में पता चले कि वो शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे कि बोझ, उसका अर्थ क्या होता है, भार या वजन। जैसे वेट आप कहते हो ना, तो भार या वजन। ओके, शक पकाना, शक पकाना मतलब घबरा जाना। अगर हम कभी कभी कोई भी बात पर घबरा जाते हैं ना, वो घबरा जाना, डर लगता है ना हमें, वो। परोपकार, परोपकार यानी दूसरों का भला, कोई भी काम किसी की मदद करना उसको क्या कहते हैं, परोपकार। ओके, हैरान यानी चकित। भोजन यानी खाना। ओके, तो अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करेंगे। राहुल एक पेड़ के नीचे बगीचे में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर एक लड़के की बात की गई है जिसका नाम क्या है, राहुल। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था। क्या कर रहा था, पढ़ाई। ओके, अरे मैं तो थक गया इन किताबों के बोझ से। यानी उसको पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उसको अपना काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उसने क्या कहा कि मैं तो थक गया इन किताबों के बोझ से, यानी पढ़ाई कर कर के किताब के वजन से मैं तो थक गया हूँ। चाहे घर हो या स्कूल, पढ़ते ही रहो। तो बच्चों का काम तो क्या होता है, पढ़ाई करना होता है ना, स्कूल जाना, लेसन करना, पढ़ाई करना। ओके, तो वो, लेकिन उसको पढ़ाई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, उसको अपना ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतने में उसने किताबें रख कर इधर उधर देखा। उसने क्या किया, किताबों को साइड में रखा और इधर उधर देखा, आजू बाजू देखा। तो उसे कुछ मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती दिखाई दी। ये देखो, ये मधुमक्खियाँ है, वो तो मध बनाती है ना। तो उसने क्या देखा कि कुछ मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा कर रही है। वो फूलों से, ये देखो ये मधुमक्खियाँ है, वो कुछ फूलों से रस इकट्ठा करती उसको दिखाई दी। अरे सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह मधुमक्खी बनना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। किसने कहा, राहुल ने। क्या कहा, उसने मधुमक्खी से कहा कि सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह मधुमक्खी बनना चाहता हूँ। क्योंकि उससे लगा कि ये काम तो इजी है, मधुमक्खी का रस इकट्ठा करना, पढ़ाई करना तो बिल्कुल इजी नहीं है। मधुमक्खियाँ उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। जो मधुमक्खियाँ थी वो ये बात सुनकर हैरान हो गई, चकित हो गई।
तुम तो मनुष्य हो, यानी कि तुम तो मानस हो, तुम्हारे पास सभी सुख है, यानी कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो, मुझे तो इतना अधिक पढ़ना पड़ता है। मधुमक्खी ने राहुल से क्या कहा कि तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो सभी सुख है, तुम हमारे जैसा क्यों बनना चाहते हो। तो राहुल ने क्या कहा, मुझे तो इतना अधिक पढ़ना पड़ता है। उसको क्या तकलीफ थी, पढ़ाई करने की। उसको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि मुझे तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है, काश मैं भी तुम्हारी तरह डाल डाल पर उड़ पाऊँ। तो हम क्या डाल उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते ना, राहुल ने कहा। राहुल ने क्या कहा कि काश मैं भी तुम्हारी तरह डाल डाल पर उड़ सकता। उसने किससे कहा, मधुमक्खी से। ओके, डाल डाल पर उड़ना तो हमारा काम है। तो उसका आंसर मधुमक्खी ने क्या दिया कि उड़ना तो हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम कैसे उड़ सकते हो, इस काम में हमारे पंख थक जाते हैं, उड़ने के लिए पंख हिलाने पड़ते हैं ना। तो मधुमक्खी ने क्या कहा कि उड़ने में हमारे पंख थक जाते हैं, और अच्छा सारा दिन उड़ना पड़ेगा तो मैं भी थक जाऊंगा। तो राहुल ने क्या कहा, उसको कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता था, वो आलसी था। तो उसने क्या कहा, अच्छा तो उड़ने में मैं भी थक जाऊंगा, नहीं नहीं मैं मधुमक्खी नहीं बनना चाहता। उसने क्या कहा, नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उड़ना पड़ेगा तो मैं भी थक जाऊंगा, तो मुझे मधुमक्खी नहीं बनना है। उसको तो सिर्फ, राहुल को क्या करना था, सिर्फ आराम ही करना था। थोड़ी देर बाद उसकी नज़र फलों से लदे पेड़ पर गई, यानी कि ये पेड़ जो है उसके ऊपर उसकी नज़र गई, जिसके ऊपर बहुत सारे फल लगे थे। तो राहुल ने क्या सोचा, अगर मैं पेड़ बन जाऊँ तो कितने मज़े होंगे। उसे लगा कि पेड़ों को तो कुछ काम नहीं होता है, तो मैं पेड़ बन जाऊँ तो मुझे भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही जगह पर खड़ा रहूँगा। पेड़ हंसने लगा। राहुल की ये बात सुनकर पेड़ हंसने लगा, तुम क्या सोचते हो, हम बस आराम से खड़े हैं। पेड़ ने क्या कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम सिर्फ आराम से खड़े रहते हैं यहाँ पर, हमारे शरीर के सभी हिस्से काम करते हैं, जड़े मिट्टी से पानी सींचती है, यानी जो पेड़ की ये जड़े होती है वो मिट्टी से पानी इकट्ठा करती है, हम जो पानी डालते हैं ज़मीन में वो उसकी ये जड़ होती है वो पानी इकट्ठा करती है, पत्ते हमारा भोजन बनाते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भोजन बनाते हैं, भोजन यानी खाना, और फल तो तुम ले जाते हो, यानी पेड़ को कितना काम होता है कि वो पानी इकट्ठा करती है, फिर उसके ऊपर फल लगते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देता है, और जो उसके फल लगते हैं वो तो हम इंसान ले जाते हैं, खा जाते हैं। राहुल सक पका गया, यानी वो घबरा गया, डर गया, वह सोचने लगा कि अच्छा है मैं पेड़ नहीं हूँ। उसने क्या कहा, अरे पेड़ों को तो इतना सारा काम करना पड़ता है, अच्छा हुआ मैं पेड़ नहीं हूँ। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठी चिड़ियों पर पड़ी। उसकी नज़र कहाँ गई, जो चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी थी उसके ऊपर उसकी नज़र गई। राहुल सोचने लगा कि ये चिड़िया तो आराम से दाना खा रही है। उसने क्या कहा, ये देखो ये चिड़िया को तो कुछ काम नहीं है, वो तो आराम से दाना खा रही है,
वह चिड़िया बनने की सोचने लगा। वो क्या सोचने लगा? अच्छा, तो अब मैं चिड़िया बन जाऊँ तो कितना अच्छा होगा, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ना ना, यह तुम क्या सोच रहे हो? ये किसने कहा? चिड़िया ने कहा कि अरे तुम ये क्या सोच रहे हो, हम एक एक दाना चोंच में लाने के लिए सारा दिन उठते रहते हैं। जो चिड़िया होती है उसको खाना खाने के लिए दाना लाना पड़ता है, तो दाना लाने के लिए उसको पूरा दिन उठना पड़ता है, तभी उसको खाने का दाना मिलता है ना। एक चिड़िया बोली, हमें तो घोंसला बनाने के लिए भी तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। उसने क्या कहा? हमें तो घोंसला यानी उसका जो घर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? तिनके से, घास का जो तिनका होता है उससे। तो उसने क्या कहा कि हमें तो घोंसला बनाने के लिए भी तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है, तभी उसका वो घोंसला बनता है। फिर तुम कभी भी हमारा घोंसला तोड़ देते हो, यानी हम इंसान को जब मर्जी हो हमें नहीं पसंद आता है तो हम उसका घोंसला यानी उसका घर तोड़ देते हैं ना, पेड़ भी काट देते हैं, है ना। बस बहुत हो गया, किसने कहा? राहुल ने। राहुल ने चुपचाप अपनी किताब कॉपी उठाई और स्कूल का काम करने लगा। ये सारी बात सुनकर राहुल चुपचाप अब पढ़ाई करने लगा। तो मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि काम से घबरा जाऊँ। उसने क्या कहा कि मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि काम से मैं डर जाऊँ। मैं भी पढ़ते 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 चिड़िया की तरह गीत गुनगुनाऊँगा। उसने क्या कहा कि मैं भी पढ़ाई करूँगा और चिड़िया की तरह गीत भी गाऊँगा। मैं भी पेड़ों से सबक सीख कर परोपकार करूँगा। यानी कि पेड़ का काम क्या होता है? दूसरों का भला करना होता है ना। परोपकार यानी दूसरों का भला, जैसे कि पेड़ सबको छांव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, है ना। तो उसने क्या कहा कि मैं भी पेड़ों की तरह सबको मदद करूँगा। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो उल्टा बाजे। यानी कि जो काम जिसका हो उसे वही काम करना चाहिए, अगर और कोई दूसरा वो काम करने चाहेगा तो वो उल्टा हो जाएगा, वो काम ठीक से नहीं होगा। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कि जो काम जिसका है उसी को वो काम करना चाहिए। जैसे आपका काम क्या है? अभी पढ़ाई करना है ना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, थोड़ी देर खेलना, है ना। अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो आप बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी नहीं बन पाओगे, है ना। तो हमारा काम क्या है? अभी पढ़ाई करना है, ओके। तो आप भी पढ़ाई में आलस मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके। अब शब्द के अर्थ। बोझ यानी भार और वजन। शक पकाना यानी घबरा जाना। परोपकार यानी दूसरों का भला। हैरान यानी चकित। भोजन यानी खाना, ओके। अब ये श्रुत लेखन हेतु, तो इसको सिर्फ रीड करना है। बगीचे, किताबों, मधुमक्खियाँ, मनुष्य, पंख, भोजन, सकपका, चिड़िया, ओके बच्चों। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास। क्वेश्चन वन, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है, पेड़ के नीचे कौन बैठा था? चलो बताओ, पेड़ के नीचे कौन बैठा था? तो अब उसका आंसर लिखेंगे, पेड़ के नीचे राहुल बैठा था, ओके। राहुल बैठा था ना पेड़ के नीचे। सेकंड, राहुल किस बात से परेशान था? तो राहुल पढ़ाई के बोझ से परेशान
था ना, उसको पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई से परेशान था। क्वेश्चन टू, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राहुल पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था? तो उसका आंसर है, राहुल पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। ओके। सेकंड है, राहुल पेड़ क्यों बनना चाहता था? तो अभी हमने सीखा कि वो क्यों पेड़ बनना चाहता था, तो उसे लगता था कि पेड़ बनकर उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही जगह पर खड़े रहना होगा। उससे लगा कि पेड़ों को कोई काम नहीं है, वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, इसीलिए उसको पेड़ बनना था। ओके। सेकंड, चिड़िया की बात सुनकर राहुल क्यों घबरा गया? ओके, तो राहुल क्यों डर गया था चिड़िया की बात सुनकर? तो उसका आंसर है, उसे लगा कि एक एक दाना चोंच में लाना पड़ेगा, एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाना होगा, यह उसके बस की बात नहीं थी। ओके। उसके बाद अंत में राहुल ने पेड़ों से क्या सीखा? ओके बच्चों, तो आपने कहानी सुनी, तो राहुल ने अंत में पेड़ों से क्या सीखा था? तो उसका आंसर है, जो काम जिस व्यक्ति का हो उसे वही काम करना चाहिए। उसने पेड़ों से परोपकार की बात भी सीखी। ओके। परोपकार यानी दूसरों का भला करना। तो उसने सीखा कि जो काम जिसका हो उसे वही करना चाहिए और दूसरों का भला भी करना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो फर्स्ट है, चिड़िया फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी। हमने पूरा लेसन समझा, रीड किया, तो उसमें ऐसा आया था कि चिड़िया फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी, तो ये रॉन्ग है। रस कौन इकट्ठा कर रहा था? मधुमक्खियाँ। ओके, चिड़िया नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग। सेकंड, घोंसला तिनके जोड़ने से बनता है। जो चिड़िया का घोंसला होता है, उसका घर होता है, वो तिनके जोड़ने से बनता है, तो राइट है कि रॉन्ग है? तो राइट। राहुल पेड़ बनना चाहता था, तो ये राइट है कि रॉन्ग है? तो ये राइट है, क्योंकि वो पेड़ भी बनना चाहता था। राहुल को पढ़ाई आसान लगती थी, तो उसको पढ़ाई आसान लगती थी कि मुश्किल लगती थी? तो मुश्किल लगती थी ना, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? रॉन्ग। ओके। नेक्स्ट है, एक से अनेक बनाइए, यानी जो एक चीज़ होती है उसका शब्द और उसके सामने एक से ज़्यादा चीज़ होती है उसका शब्द। ओके। तो पेड़, अगर एक पेड़ हो तो हम क्या कहेंगे? पेड़। और एक से ज़्यादा हो गए तो पेड़ो। ऐसे ही चिड़िया, अगर एक चिड़िया होगी तो चिड़िया कहेंगे, और एक से ज़्यादा होगी तो उसको भी चिड़िया कहेंगे, लेकिन ऊपर रेफ की मात्रा लगेगी। ओके बच्चों, दोनों सेम जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक में य के ऊपर रेफ की मात्रा नहीं है, और एक से ज़्यादा हो तो रेफ की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है, दाना, तो उसका अनेक क्या होगा? दाने। तिनका, तो उसका अनेक तिनके। अगर तिनका एक हो तो तिनका कहेंगे, और एक से ज़्यादा हो गए तो तिनके कहेंगे। ओके। उसके बाद है, इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। उल्टे यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो हंसना, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? रोना। नीचे, तो ऊपर। सुख,
तो उसका उल्टा दुख, सोना तो उसका उल्टा जागना। ओके, उसके बाद ये है कला कौशल। एक सुंदर पेड़ का चित्र चिपका कर उस पर 5 वाक्य लिखिए। तो ये आपको अपने आप करना है। यहाँ पर एक पेड़ का पिक्चर लगाना है, जो भी पेड़ का पिक्चर लगाओ उसके बारे में यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने हैं। ओके बच्चों, तो ये आपको अपने आप करना है। उसके बाद है, आप इनमें से कौन सा काम नहीं करना चाहेंगे। जो काम करना चाहोगे उसमें राइट करना है, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए उसमें रॉन्ग करना है। तो चलो मुझे बताओ, फूलों को तोड़कर फेंक देंगे, तो आप ऐसा करोगे, फूलों को तोड़कर फेंक दोगे, नहीं फेंकोगे ना, क्योंकि ये बुरी बात है, फूलों को तोड़कर फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रॉन्ग। पेड़ों को काटेंगे, तो आप पेड़ों को काटेंगे, नहीं काटेंगे ना, क्योंकि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रॉन्ग। नेक्स्ट है, पौधों में पानी डालेंगे, तो कोई भी पौधा होता है उसमें आप पानी डालोगे कि नहीं डालोगे, तो डालना चाहिए। ओके, तो इसमें राइट। पक्षियों को पत्थर मारेंगे, तो पक्षियों को क्या पत्थर मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए ना, तो यहाँ पर रॉन्ग। ओके बच्चों, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, अपना अपना काम। तो इस लेसन से आपको भी सीखना है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जो काम हमारा है वही करना चाहिए, दूसरों का काम हमें नहीं करना चाहिए, दूसरों के काम में दखलगिरी नहीं करनी चाहिए। ओके, वो बुरी बात है। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, गुड बाय।